क्या आपको भी हेडशॉट लेने में तकलीफ होता है? तो क्या आपको भी हेडशॉट लेना सीखना है? जरूर मैं सिखा दूंगा, क्योंकि इन चार दिन में मेरा टीम ने नया नया हेडशॉट ट्रिक खोज निकाली है जो आपको देखने में बहुत मजा आएगा। तो आज हम सीखेंगे परफेक्ट एम लॉक ट्रिक, प्लस गेम के सेटिंग में एक न्यू ऑप्शन अवेलेबल है जो हेडशॉट काफी देता है बंदा सबको। और क्या आपको पता है फ्री फायर में सॉफ्ट ड्रैग एंड हार्ड ड्रैग में क्या डिफरेंस है? तो काफी सारे टॉपिक है, इसलिए आप लोग एक एक लाइक एंड सब्सक्राइब कर लो। तो गाइज, आप में से कितना बंदा होगा जिसे परफेक्ट एम लॉक ट्रिक आता है? परफेक्ट एम लॉक ट्रिक, स्कारको भाई मुझे पता है आप डीपीआई बनाने का बात कर रहे हो ना। अरे अरे गलत, डीपीआई इज नॉट मैंडेटरी, क्योंकि अभी के समय में एम लॉक ट्रिक बिना डीपीआई के भी यूज हो जाता है। बट वही बात होगा कंसंट्रेशन, आपको ध्यान से सुनना होगा। तो देखो गाइज, नॉर्मल प्लेयर का एम लॉक कुछ इस तरह से होता है जो एम लॉक बॉडी पे स्टक हो जाता है, ठीक है? लेकिन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को फटाफट से थोड़ा पीछे जाना और नीचे से आपको यहां से ड्रेस है, ऐसे देखो जैसे मैं ड्रैग कर रहा हूं, नीचे से फायरिंग करते करते एनिमी के हेड के ऊपर छोड़ना है, ठीक है? इससे ना एम लॉक परफेक्ट लॉक हो जाता है, ठीक है? क्योंकि परफेक्ट लॉक ना गाइस, नीचे से अगर ड्रैग करोगे तो परफेक्ट एम लॉक बैठ जाता है, ठीक है? तो एक बार ट्राई करके देखो, पता लग जाएगा। स्केयरक्रो भाई एम लॉक करना तो सीख गए, लेकिन आपने कुछ सेटिंग के बारे में बोला था कि सेटिंग ऐसे करने से ज्यादा हेड लगेगा। हाँ तो गाइस ये सच बात है, एक न्यू ऑप्शन है जो सिर्फ गेम के सेटिंग में ही आपको मिलेगा, ठीक है? तो सबसे पहले आपको गेम पे जाना है, उसके बाद आपको जाना है इस सेटिंग में, ठीक है? यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको बहुत सारे मिलता है, ठीक है? कंट्रोल मिलता है, ऑटो पिकअप मिलता है, बेसिक मिलता है, डिस्प्ले मिलता है, साउंड मिलता है, एफएम मैक्स मिलता है, ठीक है? एफएम मैक्स सेटिंग में आपको समझा नहीं रहा क्योंकि मैं एफएम मैक्स में खेल रहा हूं, तो यहां का कुछ सेटिंग वगैरह काम नहीं है, ठीक है? लेकिन आपको जाना है कंट्रोल्स में, और कंट्रोल में जाने के बाद आपको नीचे स्क्रोल डाउन करते जाना है, ठीक है? स्क्रोल डाउन करते जाओ और यहाँ पे आपको एक सेटिंग मिले, ठीक है? यहाँ पे देखो किल नोटिफिकेशन है, ठीक है? किल नोटिफिकेशन का नीचे आपको एक मिलता है डैमेज इंडिकेटर, ठीक है? अब ये जो डैमेज इंडिकेटर है यहाँ पे दो है, ठीक है? एक क्लासिक है और एक न्यू है, ठीक है? तो मेरा यहाँ पे क्लासिक पे था और मैं क्या करूंगा यहाँ पे न्यू कर दूंगा। अगर आपका ऑलरेडी न्यू पे है तो तब भी ये ध्यान से सुनना। तो गाइस इससे होता क्या है, अगर आपका ये क्लासिक पे है तो इससे आपका हेडशॉट 100 मर से सिर्फ 60% ही लगा, जहां 60% ओनली लगा, ठीक है? बट अगर न्यू पे रहेगा तो 80% 90% तक आराम से लग भी जाएगा, ठीक है? क्योंकि मैंने ये महसूस किया था, कल रात को ही मैंने ट्राई किया था, दोनों कंपेयर करने के बाद आपको ये ट्रिक दे रहा हूं, तो आप भी एक बार ट्राई करके देखो, पता लग जाएगा। गाइस बहुत से बंदे ने कमेंट किया था कि स्केयरक्रो भाई फ्री फायर में जो लोरा कैरेक्टर है वो किस काम के लिए, आई मीन उसका कुछ ना कुछ ट्रिक तो वगैरह होगा ना, मतलब हेडशॉट वगैरह का कुछ ट्रिक तो होगा ना, लाइक योगदान वगैरह। बिल्कुल है भाई, बिल्कुल है। तुम सबको पता ही है ये लोरा कैरेक्टर इज फॉर इंक्रीजिंग एक्यूरेसी गाइस, ठीक है? एक्यूरेसी व्हाइल स्कोप इन, यही एक्यूरेसी को हम यूज कर सकते हैं स्कोप इन ड्रैग में गाइस, ठीक है? मतलब होती क्या है, फ्री फायर में मैंने कल रात को जितना भी स्कोप इन ड्रैग किया लोरा कैरेक्टर लेके, सारे ड्रैग अच्छा खासा लग रहा था गाइस, ठीक है? अच्छा खासा लग रहा था क्योंकि मैंने स्कोप इन में एक्यूरेसी ओपी हो रहा था गाइस, ठीक है? बट मैंने जैसे लोरा की स्किल शॉर्ट रेंज में यूज किया तो ड्रैग लेने से पहले उसका एम एनिमी की बॉडी पे स्टक हो रहा था गाइस, ठीक है? उसका एम एक ही जगह पे रुक रहा था, जिस वजह से मेरा शॉर्ट रेंज में हेडशॉट वगैरह मिस बहुत हो रहा था गाइस, ठीक है? तो इस जानकारी से हमें ये पता चलता है कि स्केयरक्रो भाई का लोरा कैरेक्टर जो है वो लॉन्ग रेंज में काम बहुत अच्छे से कर रहा था, लेकिन शॉर्ट रेंज में काम नहीं कर रहा था गाइस, ठीक है? और अगर आपको विश्वास नहीं होता तो एक बार खुद ट्राई कर सकते हो गाइस। तुम सबके लिए लास्ट में ओपी सा हेडशॉट बोनस ट्रिक तो है जो तुमको बहुत फायदा दिलवाएगी, बट लेकिन उससे पहले गाइस मैंने आपको जैसे बोला था, मैं आपको सिखाऊंगा बिग डिफरेंस बिटवीन सॉफ्ट ड्रैग एंड हार्ड ड्रैग, तो लो वो आ गया। तो गाइस ये बात सही है कि हार्ड ड्रैग इज द फ्रस्ट्रेशन ड्रैग, मतलब गुस्से से लेना वाला ड्रैग है, ठीक है? जो गुस्से से आता है वो फ्रस्ट्रेशन ड्रैग होता है, ठीक है? बट स्मूथ ड्रैग इज अ नॉर्मल ड्रैग है, ठीक है? यूजुअली हर कोई परफॉर्म करता है, ठीक है? हर कोई आपको मिल जाएगा सीएस में स्मूथ ड्रैग परफॉर्म करता है, ठीक है? लेकिन यह हार्ड ड्रैग एक डीपीआई प्लेयर से अच्छा और कोई नहीं कर पाता, ठीक है? ये सच बात है, ठीक है? बिकॉज इट इज टफ आफ्टर ऑल, ठीक है कि नहीं? क्योंकि यहां पे एम लोग जल्दी काम नहीं करता है, ठीक है? बहुत काम नहीं करता है, ठीक है? एम लोग वगैरह, बाकी ओवरऑल तो ओके ही है। फाइनली आज का हेडशॉट बोनस ट्रिक भी आ चुका है। तो गाइस मैंने बहुत सारे बंदे को देखा है जो दिन भर गेम खेलते रहता है, मतलब कंटिन्यूअसली 5-6 घंटा का, ठीक है? भाई मत करो ऐसा, क्योंकि इससे इंसान को मेंटली बहुत स्ट्रेस होता है, ठीक है? प्लस अच्छा गेमर बनने के लिए अपनी हेल्थ को हमेशा ध्यान में रखना पड़ता है, ठीक है? और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि प्यार करते हैं आपसे। अरे कहां जा रहे हो, फ्री का रिडीम कोड बांट रहा हूं सबको, वो भी इंस्टाग्राम पे। अगर आपको रिडीम कोड चाहिए वो भी 100% रियल, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, सब लोग फॉलो करो मुझे आज ही।